ये रहा। अरे 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 ओ चल ना, इसके झाग निकलवा। किसे बुलाया? ये लो रहा। अरे दोस्त को फोन करते हैं। झाग निकलवा। अरे बात को दे ना, पूछ मैं पहले ना। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पागल है। अरे मैं जहर पीने वाला हूँ भाई। ये हो चुका है हमारा न्यू बैग रेडी। तो मेरे बापू के पसंद का हमारे अम्मी कर रहे हैं सारी प्रेस पे भाई। लोग बोलते ना पानी फिर जाता, यहाँ पर जूस फिर जाता। आज जुम्मा तो भाई लोगों को मुझे दुआओं में याद करना। पोटी वाली मिट्टी आएगी और उसके लिए चिकन गीला वाला आएगा और सूखा वाला आएगा, तो मतलब की उसको खाना ही खाना आएगा। तो फटाफट चलते हैं, सिर्फ यार नमाज पढ़ने जाए। वो भाई नवाब है, वो भाई को बजाते हैं, तो इसलिए भाई लेकर आएगा। उसके बाद में भागूंगा। मैंने बैग देखा था, मैंने यार हम तो भी ट्रेवलिंग ज्यादा करते रहते हैं ना, तो हुर्रे के लिए काम आएगा। यहाँ पर एक बैग देखा, अभी भाई बिल्ली डाल के दिखाएंगे। बिल्ली आ गई व्हाइट वाली। इसे भाई ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अच्छा, और एसी इसके अंदर। भाई ये हो चुका है हमारा न्यू बैग रेडी। अब हम जा रहे हैं बिल्ली छोड़कर, अब आप अपनी हुर्रे को कहीं भी ले जा सकते हैं। देखना भाई चलते हुए कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, पर हमारे यार बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। वो एक बार आ जाएगी। अरे कितने साल के तक आ जाएगा इसमें? अच्छा भाई, जितना बड़ा होता है ना, एक साल, 20 साल, 50 साल, आराम से आया कम्फर्टेबल। आज देखो ये है बैग, यहाँ पर छेद हो रहे हैं और यहाँ पर भी छेद हो रहे हैं। अम्मी से पूछूंगा घर पे आके कि अम्मी ऐसा बैग मंगा रहा हो तो बताओ, क्योंकि हमें बहुत आसानी जाएगी हूर को लेने में। और यहाँ पर ये जाली भी है, ऑक्सीजन तो पूरी रहेगी। और ये देखो इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा है भाई। देखो ये रहा, यहाँ पर सारा सामान ले लिया हमने बिल्कुल परफेक्ट। और अब की बार ना हूर की जो मिट्टी लिए भाई ने बताया, भाई इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये वाला ले लिया, आप देखते हैं इसे कैसा होने वाला है। ये है करीना कपूर वाला भाई, करीना कपूर की बिल्ली देख लो भाई इसे। और ये देखो आज बारिश बिल्कुल भी नहीं आई है, रात को आई थी थोड़ी बहुत। और मौसम तो भाई हो रहा है बारिश जैसा, पता नहीं देखो बारिश आती है नहीं आती। अगर ऐसा मौसम रहना भाई माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जी मैंने जो तुम्हें बैग दिखाया कैसा लग रहा है हूर के लिए? इसलिए मैंने अम्मी को काफी पसंद आ चुका है। और ये रहा हमारे हुल्लू गाइस, तो खाना इतना ज्यादा पसंद आ गया है ना। कमेंट करो अगर हम कहीं घूमने जाएं तो हूर को किसी के पास नहीं छोड़े, हम हूर को लेकर जाएं वाला बैग मंगाएंगे। हाँ आप देखते हैं, बस बैग आने वाला, तो हूर हमारे साथ कहीं भी घूम सकता है और फिर हम उसे होटल में बंद कर देंगे, फिर हम घूमने चले आ करेंगे। ओके ओके गाइस, अम्मी को पसंद आ चुका है आज। और ये देखो अपना खाना कैसे सूंघ रहा सारा का। तो गाइस आज तुम्हारे भाई के दिमाग में ऐसी चीज आई है ना, बिल्कुल अफलातून होने वाला है। आज का व्लॉग सबसे ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस। अभी अम्मी ऊपर है क्योंकि भाई बारिश आ चुकी थी, कपड़े उतारने गई है। तो मेरे हाथ में है ये डिटॉल। अरे कहना क्या चाहते, मतलब कि एक तरीके का जहर पॉइजन प्रैंक करने वाला हूँ मैं अपनी अम्मी के ऊपर और रियान के ऊपर। अब्बू तो है नहीं घर पर, और गाइस इतना नेक्स्ट लेवल मजा आया ना गाइस। आप वीडियो देखते ही आप इतने हंसने वाले और क्या रिएक्शन आने वाला है रियान और अम्मी को। भाई आज मैंने किसी को भी नहीं बताया, बिल्कुल सरप्राइज प्रैंक होने वाला है। ये तुम्हारे भाई के हाथ में डिटॉल है और गाइस एक सरप्राइज हो रहा है, वो पूरी वीडियो देखते रहना, उसमें होगा। देखो तुम्हारा भाई डिटॉल पीने आ रहा है। अरे भाई तो सच में ही कड़वा है, इसकी स्मेल आ चुकी है। और गाइस जब चखेंगे थू थू थू। गाइस कोई भी अपने घर में ट्राई ना करे, मैं वीडियो में पहले कह देता हूँ ये सिर्फ एक वीडियो के लिए है और मैं प्रैंक कर रहा हूँ इंटर पर्पस के लिए, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस अम्मी का वेट करते हैं गाइस, मैंने कैमरा कहीं दुबका देता हूँ जो किसी को भी पता ना लगे कि हाँ कैमरा कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी रियान को बुला लिया, यहाँ नहीं करे जल्दी, ये बारिश में इमरजेंसी। वहाँ मैंने सर कॉल करी थी, मैं डिसीजन ले लिया, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं जहर पीने वाला हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ठीक है ठीक है, दिखाऊंगा सच में पी लूंगा। अम्मी को बता दी मैंने जहर पी लिया है, सच में मैं जहर पीने आ रहा हूँ। रोग लैग भी बता, पी के तो देख, मैं पी के जा रहा हूँ भाई, ये सीरियस में ले रहा है ना मुझे, देख ले मैं हकीकत में पी रहा हूँ जहर। डिटॉल सही है, मैं पीने जा रहा हूँ जहर। आज के बाद चीज है ना, तू मत लियो ना पे लियो, ठीक है ना, मैं जहर पीने जा रहा हूँ। अम्मी अम्मी वो पी लिया डिटॉल इन्ने ओ ये रहा। अरे 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 रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, पागल है। अरे ओ अरे तो झाग निकल, कौन सा डिटॉल है? डिटॉल ये झाग निकल ले, कौन लेगा? अरमान अरमान अरमान
तुम ही चेक कर लीजिए उसका दिल हाथ पे हाँ तो हाथ से देखते हैं कान से देखते हैं अच्छा कान से देखते हैं उसे मेल आया था सब चीज प्लानिंग मैं अरे सुनो इसकी क्या सीन था यूं करा मैं बारिश में हूँ मैंने कहा आ जा यूं करा साइड में खड़ा हूँ मैंने जल्दी आ मैं जहर खाने वाला हूँ इतनी अबे ये तो कुछ भी नहीं था ऐसे तो पता ही नहीं थी भाई तीते भाग भाग करा देखो पूरा गीला हो गया नहीं कभी नहीं होता सपनों में कुछ सोचता है ठीक है आज गाय ये सब प्रैंक कर दिया ना अपनी फैमिली पर जहर खाने का प्रैंक मजा हो गया इसी बात के तो पैसे नहीं तो हम भी तुम्हारे जैसे अरे बस बस सॉरी मम्मी सॉरी आज चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा अपने तरफ से अब तो मत मारो मुझे मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा आज सुबह तुम भूखी बैठी हो ना बेचारी नहीं नहीं खाना नहीं बनाया ना जुम्मे वाले दिन है तुम छोटे क्या हुआ थूक दिया हाय हाय गाइस ये बल्ले 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 मजा आ गया आज के प्रैंक में तुझे आया मजा हमें ना आया चलो ये वाले प्रैंक हम पे मत मम्मी सॉरी आज के बारे में प्रैंक तेरे अब्बू को कॉल लग जाती ना कहीं पे भी हो वो तो भागे भाई आ जाते वो कैसे खा लिए नहीं जब भी तो उठ गया था मैं जब भी मैंने कहा अब्बू को बुला लिया अब्बू तो भाई अब्बा से इतना डर अम्मा से अम्मा का डर ना अम्मा के ऊपर प्रैंक कर दिया ना हमने चलो मम्मी सॉरी आज के बाद नहीं करेंगे बस मैं भी तेरे ऊपर कोई ऐसा प्रैंक करूंगी तू हाथ जोड़ा अरे तुम तो नहीं कर पाओगे हम पता जा ऊपर प्रैंक करोगी हम मिलेंगे अच्छा जी अब तो तुमने बता दिया अब क्या फायदा चलो कोई नहीं भाई अभी अम्मी को हमारी इतनी सैड हो चुकी है मैंने अम्मी के लिए एक चीज ऑर्डर करी आज फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि सिस्टर होती थी
तो सिस्टर ही ऑर्डर कर देती थी। तो आज तुम्हारे भाई ने करी एक तो चिकन टिक्का, पता नहीं क्या क्या, वो अभी आपको दिखाऊंगा। चिकन लबाबदार मंगा लिया और नान भी अच्छी, खीर भी मंगाई हमने। अब देखते हैं भाई फर्स्ट टाइम ऑर्डर क्या हुआ। पेमेंट कर दे तूने भाई, अब देखते हैं कितनी देर में आती है। बस रियान भाई बस पैसे पेमेंट कर रहे हैं। अभी यही डर लग रहा भाई, आधा घंटे का टाइम दिखा रहा है। अभी हो रहे हैं 5:18, 5:30 तक आएगा वो। बस अब देखते हैं गाइस फ्रॉड होता है हमारे साथ, ये हमारा आ जाता है। कर दी पेमेंट हो तूने। चलो गाइस फाइनली हमारा खाना भी आ चुका है, गर्मा गर्म सब चीज इसमें है भाई। चलो भाई सही है सब चीज इसमें, फटाफट से खाते हैं, बहुत ही देर वाली भूख लग रही थी। साथ फ्रॉड होने से बचा भाई आ चुका, तो भाई के लिए लोहा का ऑर्डर आ चुका। चौक पकड़ाओ मैं, चौक कौन सी है भाई है। तो आ गए अम्मी, ओ आज पहली बार हमने यकीन करा, चल मैं ला रही हूं। चलो चलो गर्मा गर्म हो रहा है अम्मी। भाई उन्होंने 30 मिनट दिया था और जल्दी मंगा दिया। अब आपको दिखाता हूँ भाई अब टेस्ट कैसे होने वाला है। अम्मी लबाबदार मक्खन मार के माशाल्लाह बड़ा टेस्टी लग रहा है। और ये मंगाई हमने नान ने कितनी, अम्मी तो बहुत सारी आ गई, मैंने तो 5 मंगाई थी। ओ ये बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब ये 2-3 अम्मी हो जाते हमारे लिए पूरी। बार में जो हुआ बस सही है। चलो कोई नहीं, वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पहले चेक करता हूँ कि कैसा हो रहा है। और ये मैंने खीर मंगाई थी स्पेशल, खोल के दिखाइयो ये बिस्मिल्लाह पढ़ा, कैसा लग रहा है मस्त। खीर सब चीज सही है बिल्कुल, एक चीज में पपट हो गया, वो भी हमारा रोटी में। वैसे अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से इतना ज्यादा टेस्टी हो रहा है ना, बहुत टेस्टी। और यहाँ स्पेशल खीर ही हमने अपनी अम्मी के लिए मंगाई थी। और प्याज व्याज दो कितनी सारी है। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से खाते हैं खाना। अभी जा रहा तुम्हारा भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नए नए कपड़े है तो गए मेरे पास। जितनी ज्यादा शॉपिंग हुई क्योंकि हम न्यू ट्रिप बना रहे हैं, तो उसके लिए ना अच्छे अच्छे कपड़े भी लाने। तो अभी बस एक आध जोड़ी कपड़े बाय करके ले आते हैं। यहाँ पर कार की चाबी ले ली, कार में जाएंगे क्योंकि बारिश तो दिख ही रही है आपको, पूरी मुंबई हुई पड़ी है। मुर्गी सर तू भी साथ में जा रहा है क्या भाई? यूँ कह रहा आज भाई मैं भी कपड़े लेकर आऊँ, मैंने चलते हुए भी लेकर लाऊँ भाई। जैसे मुंबई में बारिश होती है ना डेली सुबह शाम नन्नी नन्नी नन्नी, सेम टू सेम दिल्ली में ना भाई एक हफ्ते से सेम ऐसी बारिश हो रही है। देख लो अभी कितनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है। कल लोग बेचारे को यूं ही खड़े रहने देते हैं, गड्डी में चलते हैं आज। हमारे त्रिपाल है ना बिल्कुल वाटर प्रूफ है, देखो इस पे एक भी पानी की बूंद नहीं आई। त्रिपाल उगाड़ दिया ना, देखो हरियाणा वाला रहा, गोदाम में रखवा दिया मैंने। बिस्मिल्लाह यार अंदर कीचड़ ना, यहाँ पे गीले पे ओहो आराम 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 से बहुत आराम से बैठना पड़ता है। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की को रखते हैं यहाँ पर और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। हाय स्टार्ट हो गई है गाइस, ये रहा इंटीरियर। 2-3 दिन के बाद कार चला रहा तुम्हारा भाई। ये चलो निकल गए और बारिश और ज्यादा तेज हो चुकी है, अभी हम रेड लाइट पे खड़े थे। हाँ भाई गंजा मुर्गी छोरिया बता कितने जोड़े कपड़े खरीद कर लाएगा? दो जोड़ी। तेरी सिकल है भाई, से एक टी शर्ट दिलवा दूंगा भाई, सस्ती थी जो सबसे सस्ती होगी वाली दिला दूंगा। पर मैं ना रात में चश्मा हटा ही लेता हूँ बिल्कुल भी गाइस कुछ दिखने। ओहो हमारे में तो महंगी बातचीत यार, लाइट है गाई तो मतलब भूल जाते हैं यार, नहीं तो वो पिछली बारी कार की याद आती है, वो एक लाइट होती है ना, इसमें तो दो है, पूरी चांदना कर देती है कार के अंदर। और ये चलो गाइस अब निकलते हैं फटाफट से, पहुंच जाते हैं। कितने मिनट हम, अगर जाम नहीं मिला तो हमें 6 मिनट में पहुंच जाएंगे, जाम मिला तो फिर 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। पूरा मैंने रास्ता याद कर रखा है लफ्ज में और एक एक मिनट में। अरे एक तो आगे से कुछ दिखने भी नहीं लगा, देखना गाइस पूरे पर कोहरा कोहरा होने लगा यार एकदम से, क्या होता है। पर मैंने अभी यहाँ पर थोड़े से शीशे खोले, इतने से खोले क्योंकि बारिश भी नहीं आएगी और ये कोहरा भी हट जाएगा। इस कार में आते हैं तो यहाँ पर देखो इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला पड़ा और पूरा शीशा बिलर हो रहा है। देखो भाई मैंने कपड़े से 4-5 बार साफ कर लिया, जब भी बिलर ही बिलर दिख रहा है। और देखना कहाँ फंस गया, बस बराबर में इधर डिवाइडर है, बीच बीच में चलानी पड़ रही है। और 20 मिनट हो गया गाइस, मैंने मुझे लग रहा है 1 ही घंटा लगेगा यहाँ से पहुंचने में। और बिस्मिल्लाह आराम आराम से निकलना पड़ेगा भाई, कितनी दूर है, थोड़ी दूर का और रास्ता बस, ये रेड लाइट दुनिया भर की और ये जाम परेशान कर दिया। यहाँ तो एक तो मुझे पार्किंग नहीं मिली, मैं गाड़ी कहाँ पर खड़ी करके आऊँ, वहाँ पर वहाँ की साइड खड़ी करके आया हूँ। चलो कोई नहीं अब चलते हैं। और ये देखा है क्या कीचड़ हुई पर ये पूरे के अंदर जाए, हाँ छी देख के दिमाग हिल जाएगा। भाई फाइनली शॉपिंग हो चुकी है हमारी डन और यहाँ पर कुछ भाई लोग मिल चुके थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बढ़िया कहाँ से हो भाई सारे भाई? अच्छा यहीं से हो, अरे बहुत बड़े लगे हमारे पास आया ना फराज फूड कॉर्नर नाम से। ओके भाई आऊंगा पक्का हुआ, ठीक है। हाँ हाँ तो गई हमारी शॉपिंग यहाँ पर, एक जोड़ी मैंने ले लिए और एक रियान ने खरीद लिया भाई, हैप्पी हो चुका है। अबे तूने और क्यों नहीं खरीदा? बाद में लेंगे जब घूमने। ओके भाई आधी शॉपिंग इनने कर ली और आधी शॉपिंग मैंने कर लिया, स्टॉक तो अभी आएगा ना जब। हाँ भाई भाई ने बताया था न्यू स्टॉक आगर मान भाई तुम्हारे लिए स्पेशल वाला, तो मैं जब बताऊंगा तो जब आ जाना मैंने। ओके भाई अब निकलते हैं यहाँ से। और गाइस किसी ने मेरी पूरी कार का फीचर्स का व्लॉग नहीं देख रखा तो मैंने व्लॉग अपलोड कर रखा है, जाकर फटाफट से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका एक एक कंट्रोल बता रखा है गाइस का कैसा कैसा सीन है, पूरा का पूरा इसका इंटीरियर के बारे में सब एक व्लॉग में प्रॉपर बनाया। जिसने देख लिया मुझे कमेंट में बता देना कि आपको उस व्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या आपने जानकारी सीखी। तो फटाफट से अब यहाँ से निकलते हैं, अगर रास्ते में कुछ खाने खाने का जुगाड़ मिलता था गाइस ट्राई कर लेंगे, वैसे तो अभी हमने खा ही लिया था। तो ये तो मेरे बापू के पसंद का खुला खोनी सकती मैं,
शॉपिंग भी अपनी करके ला रहे हैं यार। चलो कल तुम अच्छी जगह ले चलेंगे, ठीक है? अरे नहीं, वहाँ प्रैंक नहीं करूंगा, कुछ अच्छी यूनिक जगह हो ना तो वहाँ लेके चलेंगे, सही है ना? तो गाइस कमेंट करो फटाफट से कि अम्मी को कहाँ पे लेना चाहिए अच्छी जगह जहाँ अम्मी का मूड फ्रेश है और प्रैंक से डर खत्म हो जाए, ठीक है ना? ओके, आप बोल देते हैं कमेंट। तो फर्स्ट कमेंट है पठान बॉय गेमिंग अरमान भाई, मैं आगरा से हूँ, मेरी बहुत तमन्ना है कि आपसे मिलने की। पूरी फैमिली आपके और रिहान भाई के माई नप्पी के व्लॉग देखती है, प्लीज मेरा नाम ले लेना व्लॉग में ना, हादिया है। ओके जी, हादिया जी थैंक यू जी, आगरा से और लव यू जी। सलमान माशा अरमान भाई ऐसी मेहनत करते हो, अल्लाह और तरक्की आता फरमाए, आपके अम्मी पापा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अरिबा फारूकी, अरमान भाई आपकी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, माशाल्लाह आपकी अम्मी को जितनी तारीफ करो उतना कम है, ऐसी ऐसी फैमिली में हमेशा खुश रहे, आमीन आमीन। बस आप लोग ऐसी दुआएं देते हो ना और ऐसी खुश रहने की दुआएं देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। बहुत लोग खिलसते हैं भाई, बहुत लोग दुआएं देते हैं, तो बस ऐसे लोग आप दुआएं भी देते रहना और सब चीज अच्छा लगता है। बस अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।